मैं शोभना साहू शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोली कला भाऊ। आज हम सजीव जगत के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में जानेंगे। सजीव जगत के संगठन का दो स्तर है, निम्न स्तर और उच्च स्तर। इसमें निम्न स्तर में हमारे शरीर की मूल इकाई कोशिका है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, जो ऊतक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और यही ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और जैसे हमारे अंग हैं हाथ पैर कान नाक मुंह, और इसी तरह से अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र विभिन्न प्रकार के तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये तंत्र जो है आपस में मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ये शरीर जो है आगे जनसंख्या का निर्माण करती है। विभिन्न प्रकार के जीव आपस में मिलकर जनसंख्या बनाते हैं और हमारे विभिन्न देशों में भी जनसंख्या समुदाय का निर्माण करते हैं, और यही जनसंख्या समुदाय आगे जिसमें पेड़ पौधे मनुष्य आपस में मिल करके जनसंख्या समुदाय का निर्माण करते हैं, और यही जय समुदाय मिल करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जैसे तालाब का पारिस्थितिक तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के मछलियाँ होती हैं, काई होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, जिसको जलीय पौधे या काई को मछली खाती है, मछलियों को मनुष्य खाता है, तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। और ये पारिस्थितिक तंत्र मिल करके जीव मंडल जिसमें पूरे हमारा विश्व के जितने भी जीवधारी हैं जीव जंतु हैं सभी मिल करके जीव मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा निम्न स्तर है, जैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र और शरीर का निर्माण करते हैं। और उच्च स्तर में जीव हैं, जीव जो मिलकर आपस में समूह में जनसंख्या में वृद्धि होती है और ये जनसंख्या मिलकर के एक जैव समुदाय इसमें सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के जैव समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जो एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग तरह से पारिस्थितिक तंत्र हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, और यही पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के जैव समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसमें सजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों मिल करके जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमने सजीव जगत के विभिन्न संगठनों के बारे में जाना।